भिखारी को सीख। बहुत समय पहले किसी शहर में 7 साल का गट्टू अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू के दादाजी रोज सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और दोपहर को गट्टू को स्कूल से लेने आते थे। एक दिन हमेशा की तरह दादाजी गट्टू को स्कूल से लेकर घर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। दादाजी, ये तो सच में बहुत भूखा लग रहा है, आप इसे कुछ पैसे दे दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो गट्टू, मैं अभी इसे कुछ पैसे दे देता हूँ। ये कहकर दादाजी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भिखारी को पैसे देकर गट्टू और दादाजी घर की तरफ चल दिए। अगले दिन भी जब गट्टू और दादाजी स्कूल से लौट रहे थे तो वही भिखारी उन्हें फिर मिला और गट्टू के कहने पर दादाजी ने उसे कुछ पैसे दे दिए। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अगली सुबह दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए गट्टू को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। उसी दिन स्कूल के प्रिंसिपल गट्टू की क्लास में आए और उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हमें रास्ते में मिलने वाले भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सर, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे? तुम सही कह रहे हो गट्टू, लेकिन ऐसे रोज रोज भीख में मिले पैसों से खाना खाने से उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी को रोज रोज भीख देने से अच्छा है कि उसे कुछ काम सिखा दिया जाए जिससे वो अपनी मेहनत से पैसा कमा सके और फिर उस पैसे से खाना खा सके। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे भिखारी की मदद कैसे करनी है। स्कूल की छुट्टी होने पर वो जल्दी से स्कूल से बाहर आया और क्योंकि आज दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अकेला ही भिखारी के पास पहुंचा। छोटे बाबूजी, आज बड़े बाबूजी नहीं आए, अब मुझे खाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम चिंता मत करो, आज मैं तुमको पैसे दूंगा। आप? हाँ, मैं। बस बदले में तुम्हें मेरा थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है। गट्टू भिखारी को अपने साथ लेकर सीधे अपने पापा की खिलौने की फैक्ट्री पहुंचा। सारी बात जानकर पापा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, चलो। फिर वो भिखारी को लेकर खिलौने के स्पेयर पार्ट्स के पास गया और भिखारी से बोला, तुम इस सब पार्ट्स को जोड़कर मेरे लिए ऐसा जहाज बनाओ, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सच? ऐसा है तो मैं अभी आपके लिए ऐसा जहाज बना कर देता हूँ। आखिरकार बहुत सारी गलतियों के बाद भिखारी ने एक जहाज बना ही दिया। अब तो ये अच्छा है छोटे बाबूजी। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। सच? तो अब अपनी शर्त के अनुसार आप मुझे बहुत सारे पैसे दो। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बाबूजी, आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, ये तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मेरे लिए जो जहाज बनाया ये उसके पैसे हैं, और अब तुम्हें खिलौने बनाने आ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। अब तुम रोज यहाँ फैक्ट्री में आकर खिलौने बनाना और इसके बदले में पापा तुम्हें पैसे देंगे। ये सुनकर भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद छोटे बाबूजी, लोग आज तक मुझे भीख में पैसे ही दिया करते थे, लेकिन आपने तो मुझे काम करना सिखा दिया, अब मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस तरह गट्टू ने अपनी समझदारी से भिखारी की मदद कर उसे खिलौने बनाना सिखा दिया, जिसके बाद भिखारी मेहनत से कमाकर खाने लगा और फिर कभी उसे भीख नहीं मांगा।